In the Zoo rules, a very important aspect is the record keeping, that is the maintenance of record. Animals ke hawale se agar hum records ki baat kare to animal ki every aspect ka record is very important. Usme chahe animals ki birth ho, usme animals ki acquisition ho, usme animals ki sales ho, animals ki disposals ho, ya animals ki death ho. Because इस रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम से हमें ये आइडिया हो जाता है कि किस एनिमल का रिप्रोडक्टिव साइकिल किस हवाले से चल रहा है, किस एनिमल की डेथ हुई है, डेथ की क्या रीजंस हो सकती हैं, अगर पोस्टमार्टम परफॉर्म हुआ है तो वो उसकी रिपोर्ट्स क्या थी, एनिमल को किस वक्त किस एजेंसी से परचेज किया गया, उनके सप्लायर्स कौन से हैं. क्योंकि किसी भी ज़ू में जो इनक्लोजर्स हैं वहाँ पर समटाइम्स सिचुएशंस डिफरेंट हो जाती हैं. It so happened that the animal is acquired for a certain period of time from any purchaser and the pair or one of the pair they get died. Agar unki death ho jati hai to hame kam se kam is cheez ka idea ho ke wo jiske through aaye hue hain hum usko iska claim kar sake that animal ki death ho chuki hai aur isko replace karne ki facility taki hame provide ki ja sake. सो ये जो रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है इट शुड बी देयर इन अ ज़ू एंड इट शुड बी मेंटेन्ड सो दैट के ज़ू के जो मामलात हैं या जो एनिमल्स हैं उन पे एक चेक एंड बैलेंस रखा जा सके एंड कीप एन आई ऑन द सिस्टम दैट थिंग्स आर गोइंग इन अ स्मूथ वे. एवरी ज़ू शैल प्रिपेयर एंड मेंटेन एन इन्वेंट्री रिकॉर्ड ऑफ द ज़ू आई डी, एनिमल आई डी, देयर साइंटिफिक नेम, देयर सेक्स, their origin, their birth and their parents. This is again a very important aspect. Har animal ko us zoo ke andar proper ek tag allot hona chahiye. Say agar aap kisi if you are talking about Pakistan, for example Pakistan mein jitne bhi zoos hain har zoo ka ek specific id hona chahiye. Wahan par jo animals hain उन एनिमल्स को प्रॉपर एक आईडी अलॉट होना चाहिए. उसके मुताबिक हमें ये अंदाज़ा हो जाता है उनकी उनके जो इनक्लोजर्स के बाहर कुछ जो प्लेट्स डिस्प्ले हों उनमें ये सारी चीज़ें जब इस्टेब्लिश होंगी तब हमें रिकॉर्ड मेंटेन करने में कंपैरेटिवली आसानी होती है. तो इस हवाले से अगर जो जो प्लेट्स उनकी इनक्लोजर के बाहर डिस्प्ले होनी है अगर उन पर उनके साइंटिफिक नेम्स लिखे हों, उनके ऊपर उनकी जेंडर लिखी हुई हो, उनका ओरिजिन लिखा हुआ हो और अगर वो कहीं से एक्वायर किए गए हैं तो वो उसके बारे में भी पता हो तो एक एनिमल के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ हम एनिमल के बाकी जो मामलात हैं वो आसानी से मैनेज कर सकते हैं. सो ये सिस्टम या ये जो रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है इट शुड बी मेंटेन्ड एज वेल एज मैनेज्ड. समटाइम्स ये भी होता है कि अगर हम उनके आईडीज़ के साथ साथ ये भी हमारी इन्वेंट्री में एक एक चीज़ ऐड हो जाए कि द रिस्पेक्टिव एनिमल इज़ आउट ऑफ स्टॉक तो उसे ही होगा कि जो नया आने वाला ऑफिसर अपॉइंटेड होगा जो ज़ू के मामलात को देख रहा होगा उसको उस एनिमल को मंगवाने में आसानी होगी. समटाइम डबलेट्स आ जाते हैं, समटाइम द एनिमल इज़ ऑलरेडी अवेलेबल बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एनिमल को परचेज कर लिया जाता है. डेफिनेटली वहाँ एक लार्ज रेवेन्यू चल रहा होता है सो उसको बैलेंस करने के लिए अगर ये चीज़ें एक सिस्टम के अंदर रिकॉर्डेड होंगी तो जो जो भी न्यूली अपॉइंटेड ऑफिसर होगा या जो मैनेजेरियल टीम है वो इसको प्रॉपरली देख सकेगी. एवरी ज़ू शैल प्रिपेयर एंड मेंटेन अ डेली रिकॉर्ड इवन दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि एनिमल ने अगर एनक्लोजर में क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं ऑन डेली बेसिस इट शुड बी रिकॉर्डेड. उसका वेस्ट के हवाले से भी इसमें देखा जा सकता है, उसकी हेल्थ को इसमें देखा जा सकता है. व्हाट आर द बिहेवियर जो वो वहाँ परफॉर्म कर रहा है, क्या कोई बिहेवियर में चेंज तो नहीं है. अगर कोई बिहेवियर में चेंज है तो इट मस्ट बी इंस्टेंटली नोटेड एंड सेट टू द रिस्पेक्टिव ऑफिसर और वेटनरी इंचार्ज ताकि उसको मैनेज किया जा सके, उसके बिहेवियर में जो चेंजेस हैं उसको ऑब्जर्व किया जा सके. सिमिलरली उसकी फीडिंग हैबिट्स और उसकी फीड
उसने किसी ख़ास दिन में ज़्यादा फीड टेकअप की है, किसी ख़ास दिन में कम फीड टेकअप की है, उस कम या ज़्यादा की रीजंस क्या हैं, प्रॉबेबली वो एनिमल बीमार है तो उसके डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए ताकि मेजरमेंट्स परफॉर्म की जा सकें। इसी तरह जो अदर मैनेजमेंट्स हैं कि क्या उसके इंक्लोजर में पानी का प्रॉपरली अरेंजमेंट था, उसकी फूड प्रॉपर थी, उसकी मैल न्यूट्रिशन तो नहीं हो रही, या उसकी जो डाइट है उसमें कौन से कंपोनेंट्स एज अ कॉम्पोजिशन ऐड किए गए हैं, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हेल्थ केयर, उसके रूटीन जो हेल्थ है उसको भी ऑब्ज़र्व करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बाकी तमाम चीज़ों को देखना। इसी तरह अगर उसको कोई प्रॉब्लम है उसको भी इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए, जो भी एनिमल कीपर है उसको इमीडिएटली इन तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ को नोट डाउन करना चाहिए और अपने इमीडिएट ऑफिसर इंचार्ज या जो वेटनरी ऑफिसर वहाँ पे होगा उसको प्रॉपरली इंटीमेट करना चाहिए ताकि इंस्टेंट एक्शंस मे बी टेकन सो दैट जो डिज़ीज़ हैं या जो भी एनिमल्स को प्रॉब्लम्स हैं इनक्लोजर्स में उसको ओवरकम किया जा सके। एवरी जू शैल ऑल्सो प्रिपेयर अ ब्रीफ समरी एंड एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द जू फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एक साल में किसी जू के ऊपर कितने एक्सपेंसेस आए हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ, लाहौर जू बहुत बड़ा जू है पाकिस्तान में। एक रूटीन इस जू के हवाले से देखी गई है कि ये हर साल अपना एक बजट बता देते हैं कि जी हमारा इतना बजट है, इतने एक्सपेंसेस हमारे हो चुके हैं। ईद पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान का एक या ओवरऑल जो मुस्लिम दुनिया का त्यौहार है, वहाँ पर कितने लोग आए, कितने विज़िटर्स, किस ईद पर कितने विज़िटर्स ज़्यादा थे, इस हवाले से एक रेवेन्यू जनरेट करने में, बजटिंग करने में, प्लानिंग करने में किसी भी जू सिस्टम के लिए कंपैरेटिवली आसानियां पैदा हो सकती हैं। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रिकॉर्ड कीपिंग में जिन एनिमल्स की किसी भी रीज़न की वजह से डेथ हो रही है उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन होना चाहिए, एंड इफ़ द पोस्टमार्टम इज़ परफॉर्म्ड वो रिकॉर्ड होना चाहिए। किन डायग्नोस्टिक्स को इस्तेमाल किया गया है उसके उस एनिमल की डेथ की कॉजेज़ को देखने के लिए, इसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि जो बाकी एनिमल्स हैं दे मे बी सेफ फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़, उनको बचाया जा सके, अगर कोई डिजीज़ है उसकी स्प्रेड को रोका जा सके। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये मेंटेनेंस रहेगी रिकॉर्ड की तो हर एनिमल अपने रिस्पेक्टिव इंक्लोजर में प्रोटेक्टेड रहेगा और उसको काफ़ी प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है।